चलो भाई, आज का हम लोग का टॉपिक है प्लांट हार्मोन। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्या क्या हमारे इसमें कंटेंट होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेन, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेन एक्शन एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीन। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स आर द रेगुलेटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट व्हिच इज इन लो कंसंट्रेशन रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्लांट प्रोसेस। ये क्या होते हैं, दे आर द रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्लांट प्रोसेस लाइक दैट ग्रोथ एनीथिंग इन वेरी लो कंसंट्रेशन, इन द वेरी लो कंसंट्रेशन। हार्मोन्स यूजली मूव विद इन द प्लांट फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन। ये बनते कहीं और हैं, एक्शन कहीं और करते हैं। आर इट में बी सिंथेसाइज एट द रूट टिप, आर इट में सिंथेसाइज एट द एपिकल सेल्स, बट इट्स एक्शन इज द डिफरेंट। कहीं बनते कहीं और हैं, एक्शन कहीं और करते हैं। थाइमेन इज द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्ट द फाइटो हार्मोन और द हार्मोन्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले थाइमेन साहब ने इनको एक टर्म दिया था, दैट इज द फाइटो हार्मोन। किसने कहा था, हु इज द थाइमेन। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, वन आर द ग्रोथ प्रोमोटर एंड अदर आर द ग्रोथ इनहिबिटर। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोटेड, और सम हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ, व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ दैट आर कॉल्ड एज द ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर आर द ऑर्गेन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। यही मेजर क्लास ऑफ द फाइटो हार्मोन्स है जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रोथ इनहिबिटर जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, लाइक दैट इथाइलिन, एब्सेसिक एसिड एंड जैस्मोनिक एसिड, इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं ऑर्गेन की। ऑर्गेन इज द फर्स्ट हार्मोन Which discovered in mid 1930s, 1930 के आसपास इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले ये पहला हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग कुछ जाने। इस पे काम किया था चार्ल्स डार्विन। ऑलरेडी आप नाम सुने होंगे डार्विन बाद और तमाम जो है, तो दैट्स चार्ल्स डार्विन आर द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्क ऑन द प्लांट हार्मोन। इस पे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, यहाँ पे जो डेट लिखा है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप करेक्ट करके बताना कि एग्जैक्ट क्या था। 1980 है तो हमें नहीं लग रहा ये होगा, जब 1930 में डिस्कवरी हुई थी 87 में हुआ था। हाँ, इस बुक की पब्लिकेशन ऐसा यहाँ लिखा है, बस थोड़ा सा इस पे आप लोग देख लेना है, मुझे कंफर्म नहीं है। द टर्म ऑर्गेन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स Which means to increase or grow. इसका मतलब क्या होता है, to increase or grow. Okay. अगर structure आप ऑर्गेन की बात करोगे तो most of various type of ऑर्गेन are the known, but most common ऑर्गेन is the indole 3-acetic acid, IAA, ठीक है, that is the this, indole acetic acid, जो सबसे common है,
इसके अलावा एक पूरा इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम सॉरी हार्मोन दैट इज द इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA, सब ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। 4-PLIAA ये पाया जाता है पाइन एपिल में, ठीक है, PAA फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है, दीज आर द नेटिव आर्गिन विच आर द नेचुरली सिंथेसाइज इन द प्लांट। सम आर्गिन आर द सिंथेसाइज आर्टिफिशियली दैट आर कॉल्ड एज द सिंथेटिक आर्गिन लाइक दैट 2,4-D, पूरा नाम इसका क्या है 2,4-dichloro फेनिल आर्गिन एसिटिक एसिड एसिड, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड एसिटिक एसिड 2,4-D एक वीडिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, आप लोग मार्केट में भी मिलता है, केमिकल है, ठीक है। दूसरा है अल्फा एन ए ए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, और वेरियस है कितने कितने की बात करेंगे दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्गिन, कैसे सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में, ठीक है, तो आर्गिन की जो सिंथेसिस होती है दे आर द सिंथेसाइज बाय द टू पाथवे, सिंथेसाइज बाय द टू पाथवे, फर्स्ट इज द ट्रिप्टोफान डिपेंडेंट पाथवे एंड ट्रिप्टोफान इंडिपेंडेंट पाथवे। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है दे आर द डेराइव्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, नाम पढ़े हुए हैं ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से ही डिराइव्ड होता है, तो कुछ होते हैं जो ट्रिप्टोफान से बनते हैं दैट आर कॉल्ड ट्रिप्टोफान डिपेंडेंट पाथवे, अनदर दैट ट्रिप्टोफान इंडिपेंडेंट पाथवे। पहले की बात करते हैं, इन 1935 थाइमिन डिमोंस्ट्रेटेड इन ए फंगस राइजोपस स्पीशीज इन विच इट कन्वर्टेड अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इनटू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सबसे पहले ही पर्सन थे जिन्होंने दिखाया हाउ इट इज द कन्वर्ट आर इट इज द सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्रिप्टोफान। तो एक क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आता है कि विच हार्मोन इज सिंथेसाइज बाय द ट्रिप्टोफैन दैट इज द आर्जिन, ओके, आर्जिन ऐसा है जो कहां से सिंथेसाइज होता है दैट आर सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। इसी को इस अलग रूप में कहता है विच इज द प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड या प्रिकर्सर ऑफ द आर्जिन दैट इज द ट्रिप्टोफैन। देखिए हाउ इट इज द सिंथेसाइज, देखिए दिस इज द ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन दे आर इनटू द आईएएआर दे आर कन्वर्टेड इनटू द आईएएआर हाउ इज दैट देन कन्वर्टेड इनटू देन आईएएआर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, सो हाउ इट इज द सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन कन्वर्टेड द इंडोल एसिड शुरू में चार पाथवे एंड टाइम पाथवे हाउ इट इज द सिंथेसाइज। पूरा डिटेल दिया है यहाँ पे IPA इंडोल पायरुटिक एसिड पाथवे। ऐसा ना
सेकेंड क्या किया, सेल ग्रोथ किया बाय द सेल डिवीजन। थर्ड सेल वाली एक्सटेंसिबिलिटी, सेल वाली एक्सटेंसिबिलिटी को क्या एक्सटेंड कर देता है, प्लास्टिक कर देता है, जिसको इसे कर दिया इलाज कर देता है। अदरवाइज आप जानते हैं सेल वाली द रिजिड, बट रिजिड ये क्या कर देता है, एक्सटेंड भी कर देता है सेल। मैकेनिक मीडिया है आपका चीज नहीं है। चलिए थर्ड लास्ट वन इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द आरजी, जो मेन है आप में। एक तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानिए, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए, और ये कैसे सिंथेसाइज होता है। मेन इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द आरजीन, आरजीन का रोल क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बताए दैट इज द सेल एलांगेशन, एपिकल डोमिनेंस, इट वर्क ओनली ऑन द एपिकल सेल नॉट द इंटरकैलरी सेल। इसीलिए क्या करते हैं, कहीं ग्रोथ ना हो तो क्या कट कर देते हैं, टिप को कट कर देते हैं, झाड़ी को क्या करते हैं आप, टिप काटते हैं। काट देने से क्या हो जाता है, ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। क्यों, बिकॉज इट ओनली एक्शन ऑन द एपिकल सेल। अगर आप उसको कट नहीं करोगे तो हमेशा इसका लंबा हो जाएगा, लेकिन एक सेब चाहिए इससे तो ग्रोथ होगी नहीं, फिर लेटरल ब्रांचेस है उससे ग्रोथ होने लगी। प्रमोट द रूट इनिशिएट, हमेशा किसको स्टार्ट करा, रूट इनिशिएशन को, कहीं रूट लीफ से रूट आई या कैले से क्या कर लेते हैं, या कोई तना है गाड़ देते हैं जमीन पे, उससे रूट निकल जाता है। इट इनिशिएट द रूट फॉर्मेशन, ठीक है। टिश्यू कल्चर में सबसे पहले आर्जिन का मेजर रोल होता है, किसमें, रूट फॉर्मेशन। आर्जिन और साइटोकाइनी हम कंसंट्रेट करके मीडियम में डालते हैं, तो जब आर्जिन का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन साइटोकाइनी, इट सिंथेसाइज द रूट, फॉर्मेशन ऑफ द रूट इज टेक प्लेस। और जब साइटोकाइनिन इज ग्रेटर देन आर्जिन, देन लीफ इज सिंथेसाइज, और इस तरह क्या होता है, हमारा पूरा प्लांट प्राप्त कर लेते हैं। तो इट इनिशिएट द रूट इनिशिएशन, फर्स्ट इज द सेल इलांगेशन नॉट सेल डिवीजन, इट प्रमोट द सेल इलांगेशन, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, प्रिवेंशन ऑफ द एब्सेशन, प्रिवेंशन ऑफ द एब्सेशन। अक्सर क्या हो जाते हैं, फल पकने से पहले ही टपक जाते हैं, क्योंकि बीच की जो एब्सेस लेयर होती है जो फल को एस्टेम से जोड़े रहती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं पकने से पहले ही पूरा, आजकल आम के अक्सर देखते होंगे पूरा झड़ जाते हैं, थोड़ी सी भी आंधी भाई तब नीचे आ जाते हैं, बिकॉज बहुत वो कमजोर लेयर होती है। अभी फल बड़ा हुआ नहीं, अगर नीचे आ जाएगा तो पकेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा। तो इट प्रिवेंट द एब्सेशन, दिस इज किसी को क्या कहते हैं, एब्सेशन। और एब्सेशन को क्या करता है, रोकता, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, इट प्रमोट द पार्थेनोकार्पी में काम कर नहीं है, तो वहाँ क्या कर लेते हैं, आर्जिन का छिड़काव कर दीजिए, वो सीड को डेवलप ही नहीं होने देगा, होगा भी तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो है, लेकिन नेचर में इस तरह की बातें नहीं अच्छी है, क्योंकि अगर सीड नहीं होगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। तो दैट इज द
पार्थेनोन कल्चर में सर कैलस फॉर्मेशन है। हाँ है, टिश्यू कल्चर में बताएंगे अभी, इसमें भी थोड़ा बता देंगे आप लोग। और नेक्स्ट इज द वैस्कुलर डिफरेंशिएशन, कैसे उसमें जाइलम बने, फ्लोएम बने, क्योंकि सेल तो और क्या रहती है, जो ग्रोथ वाली प्रमोटिंग सेल होती है दैट इज द मेरिस्टेम, उसमें तो कोई जाइलम फ्लोएम इस तरह का होता नहीं है, उसी से डिफरेंशिएशन होता है। हाँ भाई, ये एपिडर्मिस बनाएगा, ये कॉर्टेक्स बनाएगा, ये तमाम, तो ये प्रमोट द वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें अभी एक एक पे डिटेल दिखाया है, व्हाट इज द इलांगेशन, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द आर्गिन इज टू लेट द इलांगेशन ऑफ सेल इन सूट, सेल इन सूट, सेल इन सूट, वेरी कम एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी एग्जांपल, ठीक है। इससे इलांगेशन को प्रमोट करता है सूट में, उल्टा इफेक्ट डालता है रूट में, रूट में क्या डालता है, उल्टा इफेक्ट डालता है रूट में, इनहिबिट डिक्रीज कर देता, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्लाइनोस्टेट का यूज करते हैं, अगर किसी पौधे को क्या कर दें, उल्टा लटका दें, लेटा दें फ्लैट, फ्लैट लेटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आर्गिन होगा वो निचली सतह पे आ जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशन, क्योंकि सूट में क्या कर रहा है, प्रमोट करेगा, तो प्रमोट करेगा तो निचली सतह पे होगा तो नीचे ज्यादा ग्रोथ होगी, तो भाई सी बात, जब नीचे ज्यादा ग्रोथ होगी तो क्या हो जाएगा, सूट ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, राइट। और रूट में क्या होगा, वहां भी नीचे आ जाएगा, निचली सतह पे आ जाएगा, लेकिन वहां क्या होगा, एक रूट में उल्टा इफेक्ट आता है, इलांगेशन को प्रमोट नहीं करता है, क्या करता है, रिटार्ड करता है, तो नीचे आ गया तो ऊपर वाले में क्या होगा, क्योंकि वहां आर्गिन है नहीं, इसलिए वहां इलांगेशन इन कंपेरिजन टू निचली सतह ज्यादा होगा, इसलिए रूट क्या हो जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है, राइट। कहीं भी ग्रोथ ज्यादा होगी इलांगेशन एक साइड में तो क्या हो जाएगी, बेंडिंग होगी, तो रूट हमेशा सूट कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ, और रूट कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। यही आप देखते हैं, यूनिलेटरल लाइट जब देते हैं तो बेंड कर जाता है, कभी हम किसी पौधे को क्या करते हैं, यूनिलेटरल लाइट, लेटरल लाइट दे दे, मतलब कहीं किसी पौधे को अंधेरे में बंद कर दे, झरोखा खोल दे, तो क्या करेगा पौधा, उसी तरफ बढ़ेगा, उसी तरफ बढ़ने लगता है, बिकॉज आर्गिन जो है शेडेड साइड में क्या होता है, शेडेड साइड से लाइट साइड में, सॉरी शेडेड साइड में मूव करता है, हमेशा अंधेरे की तरफ मूव करता है, बात समझ रहे हैं, तो जैसे प्लांट है तो डार्क में है तो कहाँ ग्रोथ करे, जैसे लाइट पड़ेगा एक तरफ से तो कहाँ मूव करेगा, ये शेडेड साइड में, छाया की तरफ जाएगा, यानी दूसरी साइड में, और क्या हो जाएगा, प्लांट उधर ज्यादा ग्रोथ करेगा और बेंड कर जाता है। आप देख रहे हैं कि नहीं, पौधा तो लाइट की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मूवमेंट ऑफ द आर्गिन इज द टेक प्लेस इन द शेडेड साइड, इधर होगा शेडेड साइड, और चूंकि स्टेम में क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, आर्गिन क्या करता है, सेल इलांगेशन को प्रमोट करता है, और जिसकी वजह से इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट लाइट की तरफ जाता है, बेंड कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो due to this. अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बहुत से साइंस दिए गए हैं, इट बाय द रिड्यूसिंग सेल वॉल प्रेशर, बाय द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू वाटर, इंक्रीज द वॉल सिंथेसिस, इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, जिसकी वजह से सेल वॉल क्या हो जाता है, मोर प्लास्टिक हो जाता है, मोर एक्सटेंसिव हो जाता है। ये कैसे करता है ये काम इलांगेशन वाला, तो बाय द रिड्यूसिंग सेल वॉल प्रेशर, परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द वॉल सिंथेसिस, इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन ड्यू टू विच सेल वॉल बिकम द प्लास्टिक। एपिकल डोमिनेंस, हम आपको बताया कि ऑलरेडी क्या करता है, एपिकल सेल्स को कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, और लेटरल वर्ड को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, एपिकल सेल को प्रमोट करता है, लेटरल वर्ड में ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन अगर एपिकल वर्ड को हटा दे इट प्रमोट द लेटरल वर्ड, इसको प्रमोट करने लगे लेटरल वर्ड को, जवल को, हाँ लेटरल वर्ड।
एपिकल डोमिनेंस क्यों होता है? ड्यू टू द हाई हायर आर्गिन कंटेंट इन द एपिकल इन द लेटरल सबसे पहले जैसे कुछ प्लांट होते हैं नेचुरली होते हैं, ठीक है, निकल जाता है क्योंकि उसमें प्रिवेंशन ऑफ द एब्सेशन क्या करता है, कंट्रोल कर रूप के एब्सेशन लेयर को, एब्सेशन लेयर को क्या करता है, मजबूत बनाए रहता है, पार्शियल कवर करता है, उसमें लेकिन ये क्या करता है, पॉलिनेशन के इसको बाद में आप बाहर क्या है क्या कर रहे भी दिखता है आपको प्लांट के सेंस में बात करेंगे तो कैलस का हम क्या करते हैं, बड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट है इन टिश्यू कल्चर, वहां से हम क्या कर लेते हैं, वहां के सेल की सेल आर ट्यूब सेल डिवीजन, उस कैलस के सेल क्या होते हैं, दैट डिवाइजिबल लेना है तो प्लांट बना लीजिए आपका केवल कैंबियम में है और लेकिन कैलस कहां होते हैं, दे आर द इट हैज द डिवाइड करने की डिवीजन की कैपेसिटी है, तो कैलस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलस फॉर्मेशन अगर कैलस से इसको पीजिएगा और अच्छे से वही दिखाता एक आगीन आप लोगों में लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ओके